अगर आपका भी कोई दुकान है या फिर आप कोई भी बिजनेस करते हो और अपनी दुकान पर कोई भी QR लगवाना चाहते हो और सोच रहे हो कि कौन सा QR आपको लगवाना चाहिए, कौन सा QR आपके लिए अच्छा रहने वाला है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा QR आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा चलता है, और सबसे पहले भारत में जो QR कोड आया था, बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम जो बिजनेस के या इंडिविजुअल में देखा जाए, किसी भी तौर पर देख सकते हो आप, बिजनेस या इंडिविजुअल, आपको दोनों ही सिचुएशन में आपको पेटीएम सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम, अगर आप पेटीएम का QR कोड लगवाते हैं तो आपको जो सेटलमेंट का प्रॉब्लम है वो रहने वाला है, प्लस आपको जो ट्रांजैक्शन की जो प्रोसेसिंग या पेंडिंग की जो सिचुएशन है थोड़ी यहाँ पर भी झेलनी पड़ती है। बात करते हैं इसके फ़ायदे की। तो अगर आपकी दुकान पर ये, जैसे अगर आपकी दुकान पे ये लगा हुआ है और यहाँ पर आपका कोई कस्टमर आता है, वो अपने पेटीएम वॉलेट से भी और प्लस पेटीएम पोस्टपेड से भी आपको पेमेंट कर सकता है। आपको कोई भी यहाँ पर, जैसे अगर कोई कस्टमर आपको पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करता है और आपके सेटलमेंट होने में कोई भी कमीशन या चार्जेस वगैरह नहीं करते हैं, आपको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं करते जैसे अदर हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ, जिसके वॉलेट से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1% का जो चार्जेस है वो कट के आता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सेटलमेंट की बता दूं तो मैं आपको, जैसे सेटलमेंट अगर आप आज पेमेंट लेते हो तो खुद से वो आपको नेक्स्ट डे ही प्राप्त होगा, चाहे जो आपका एजेंट, वो एजेंट है आपके पास में जो QR कोड लगाने आया है, वो तुरंत वाली बोले या कुछ भी बोले, ऐसा कुछ नहीं होता है पेटीएम में। मैं सब सब सभी ये क्लियर कर देता हूँ। पेटीएम में आपको जो सेटलमेंट मिलेगी, अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक है तो आपको सेटलमेंट तुरंत भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपके पास में कोई अदर बैंक है तो आपको सेटलमेंट अगले दिन ही मिलेगा। आप सेटलमेंट खुद से दिन में 3 बार खुद से कर सकते हो। तो नेक्स्ट है जो फोन पे है, फोन पे भी दूसरे नंबर पर आता है। जो बिजनेस QR हैं, फोन पे भी दूसरे नंबर पर आता है। ये हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पर मिलेगा आपको। तो इसमें बता दूंगा आपको जो सेटलमेंट का जो प्रॉब्लम है इसमें भी होने वाला है। अभी तक इसमें क्या था कि सेटलमेंट का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब आने वाले टाइम में जो अभी भी जो चल रहा है, फ़ोनपे ने ये कर दिया है कि जैसे डेली सेटलमेंट पे अपना वो ये भी पैड जमा रहे हैं, जैसे अगर आप नया QR लगवाते हैं तो इसमें आपको 50% ही चांस है कि आपको सेटलमेंट तुरंत मिले। ये डिपेंड करता है आपके एजेंट पर, जो एजेंट लगाने आया है आपको सेटलमेंट कैसे देने वाला है। तो अगर आपके पास में कोई एजेंट आता है तो प्लीज़ उससे पहले ही क्लियर कर लें कि सेटलमेंट हमको तुरंत चाहिए या डेली चाहिए, मतलब नेक्स्ट डे चाहिए। आपको वहाँ पर पहले ही एजेंट से बता देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो नुकसान की, जो दुकानदार को नुकसान होने वाला है इसमें। अगर आपके फ़ोन पे लगा हुआ है, आपके पास फ़ोन पे का QR कोड लगा हुआ है, जैसे मैं दिखा दूँ ये वाला फ़ोन पे का QR लगा हुआ है, तो आपके QR पर कोई भी, जैसे अगर मैं हूँ दुकान, मैं आपके दुकान पर कस्टमर बन के जाता हूँ, अगर मैं वेट अपने फ़ोन पे वॉलेट से आपको पेमेंट करके आता हूँ 5,000 रुपये का, तो आपको जो सेटलमेंट में जो प्राप्त होंगे वो 4,950 रुपये प्राप्त होंगे। आपको 50 रुपये का यहाँ पर जो चार्जेस हैं वॉलेट से अकाउंट में जाने का, वो यहाँ पर देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गूगल पे। गूगल पे की बात करते हैं तो मैं गूगल पे बता दूँ आपको, गूगल पे का QR आपको कुछ ऐसे दिखने वाला है। मैंने पेटीएम का QR कोड नहीं दिखाया था, पेटीएम का QR कोड कुछ इस तरह का होता है। आपको अगर आपने नहीं देखा है तो क्लियर कर देता हूँ, पेटीएम का QR कोड ये है, गूगल पे का ये है, फ़ोनपे का ये है, और आगे आने जो भी बताने वाला हूँ उसके उसका भी दिखाऊंगा। तो गूगल पे का QR कोड ये है, जो आपको गूगल पे में बता दूँगा आपको सेटलमेंट का, इसमें भी सिस्टम होता है, लेकिन
इसमें ज़्यादातर जो एजेंट आते हैं गूगल पे के, वो गूगल पे के एजेंट जो करते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि वो इंस्टेंट सेटलमेंट ही करते हैं। तो आपको गूगल पे में ऐसा कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है, जैसे कि आप सेटलमेंट में जैसे अगले दिन प्राप्त करो अपने खाते में या उससे अगले दिन प्राप्त हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तुरंत जैसे ग्राहक डालता है तुरंत आपके खाते में प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको वॉलेट से डालने की कोई सुविधा नहीं है, तो आपके कोई भी कस्टमर आपके पास में वॉलेट से नहीं डाल सकता है, ना ही आपको कोई लॉस होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं अमेज़न पे की। अमेज़न पे की बता दूँ तुम्हें, अमेज़न पे जो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, अमेज़न पे में आपको ध्यान देना है थोड़ा, मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूँगा। ये देख रहे हो अमेजन पे AMZN जो P2P वाला है, ये अगर आप QR कोड यहाँ पर अपनी दुकान पर लगवाते हो सिर्फ मोबाइल नंबर से, ये बात इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास में एजेंट आता है और वो सिर्फ मोबाइल नंबर से लगा रहा है, तो आप उसमें सेटलमेंट तुरंत प्राप्त करोगे। वहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि दूसरे दिन का मिल जाए या एक साथ मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको तुरंत ही प्राप्त होगा। और जो दूसरा QR है AM, यहाँ पर मैं दिखा दूँ इसके बारे में, यहाँ पर AMZN और WN वर्ड लाइन, अमेजन वर्ड लाइन का अगर QR कोड कोई लगाता है आपके यहाँ पर एजेंट आकर के, जैसे आपने आपसे वो GST वगैरह भी मांग सकता है, स्वैप मशीन की जो बिल होता है वो उसको भी मांग सकता है, या फिर पैन कार्ड आधार कार्ड भी मांगता है, तो आपको उसमें प्रॉब्लम होने वाली है सेटलमेंट की। तो उसमें सेटलमेंट की प्रॉब्लम आपको होगी पक्का, उसमें जैसे पेटीएम वगैरह और कंपनी करती हैं, पेटीएम फ़ोनपे वगैरह जो भी करते हैं, तो उसमें भी आपको ऐसा ही होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, जो कैशबैक वगैरह हैं, तो कैशबैक में आपको बता दूं, आपको सबसे ज़्यादा कैशबैक अमेजन पे ही देता है। ये बात, मैं एक एजेंट हूं और मैं सब में इन सब में काम कर चुका हूं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो कैशबैक वगैरह देता है, जो वो आपको अमेजन पे ही देगा। इसके बाद में कैशबैक वगैरह देने वाला कोई है तो वो है पेटीएम, आपको पेटीएम भी कैशबैक सही देता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है कैशबैक वगैरह देने में, वो है गूगल पे। मेरे हिसाब से जो मेरे पास जितने भी मर्चेंट हैं, मतलब मैंने जिनको मर्चेंट का QR बनाया है, उन सबको एक एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ ये, कि तीसरे नंबर पर गूगल पे कैशबैक देने में है, दूसरे नंबर पर पेटीएम है, और पहले नंबर पर अमेजन पे है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत पे की। अगर आपकी कोई नई दुकान है, और मैं समझ सकता हूँ कि नई दुकान होती है, अगर आप नई दुकान खोलते हो तो आपको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नई दुकान सेट करने में बहुत खर्चा आ जाता है, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कहीं अमाउंट की, जैसे अगर आपको पैसे की ज़रूरत रहे और आप चाहते हो कि आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो आपको सबसे मैं सुजेस्ट करूँगा आपको कि आप भारत पे का QR कोड लगवाएं। भारत पे का मैं एजेंट अभी तक नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो हकीकत है, मैं वो बता रहा हूँ। अगर आप भारत पे का QR कोड लगवाते हो तो आपको वहाँ पर आपको सुविधा मिलने वाली, सबसे पहले आपको लोन, जो जो बिजनेस QR में सबसे पहले लोन प्रोवाइड करता है, जो टॉप कंपनीज हैं, बाकी की तो मैं कह नहीं सकता, जो टॉप कंपनीज हैं उनमें बता दे रहा हूँ, भारत पे सबसे पहले आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। अगर आप भारत पे का QR कोड लगवाते हैं तो यहाँ पे सेटलमेंट आपको नेक्स्ट डे ही मिलेगी, या फिर आपको ऐसा भी मिलने वाला है कि जैसे आप, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छी खासी आपकी अर्निंग है, आपका बैकग्राउंड ठीक है, और आप चाहते हो कि जो मेरा अमाउंट है जो आपको कस्टमर पे करके जाता है, आपको उसको भी आप पे उस पर भी आपको कुछ कमाना है, तो यहाँ पर भी आपको भारत पे सबसे अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। तो भारत पे मैं बता दूँ, जैसे आप भारत पे यूज करते हो और भारत पे में जैसे आपको 10,000 रुपये अमाउंट डेली रिसीव होता है, और यहाँ पर आपको जो डेली का जो इंटरेस्ट रेट होता है इस पर,
12% पर एनुअल एनुअल के हिसाब से आप लगा सकते हो। डेली इंटरेस्ट आपको क्रेडिट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप इतने दिन रखोगे तब भी आपको कुछ मिलेगा। आप एक दिन को भी रखोगे, 24 घंटे 48 घंटे को भी रखोगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो भारत पे में सबसे बढ़िया मुझे ये लगता है कि आप जैसे आपका अमाउंट जैसे आप अपने अकाउंट में नॉर्मल सेविंग अकाउंट में डालते हो तो आपको एक नॉर्मली ब्याज दर उस पर मिलती है, और इसमें आपको तुरंत मतलब सॉरी डेली जो ब्याज है वो मिलती है आपको, इंटरेस्ट जो मिलता है डेली मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सेफ्टी की, तो भारत पे में भारत पे खुद का एक अकाउंट क्रिएट करके देता है, तो आपको यहाँ पर सेफ्टी जैसे यूपीआई की जो ब्लॉक की प्रॉब्लम होती है, मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्लॉक होने की थोड़े चांस जो कम हो जाते हैं। जैसे यूपीआई का आपका फ्रॉड समझा सुना होगा आपने, समझा भी होगा, जैसे आपको आपका कोई जैसे गूगल पे या फ़ोनपे का आपके पास में क्यूआर कोड लगा है और आपको कोई फ्रॉड आता है, यहाँ पर 10,000 रुपये अमाउंट या 50,000 रुपये कुछ भी करके जाता है, या फिर फ़ोन नंबर से करके जाता है कोई भी पेमेंट और आपसे सामान लेके चला जाता है, प्लस बाद में वो आपके यूपीआई को ब्लॉक करवा देता, तो आपके खाते में जो रकम पड़ी है, जो पहले से पैसा पड़ा है वो भी आपको ब्लॉक करना वो भी बैंक ब्लॉक कर देती है। और यहाँ पर मैं भारत पे बता दूँ कि भारत पे का एक अलग खाता है, तो आपका इससे जो आपका अकाउंट है नॉर्मल सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है वो बच जाता है मेरे हिसाब से। और बाकी की आप किसी प्रोफेशनल से इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हो, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि इसका एक अलग अकाउंट है, वो इससे आपको इसके अपने जो जो आपका अकाउंट है सेविंग अकाउंट या फिर पर्सनल जो है जो भी है सेविंग है या करंट अकाउंट है जो भी है उसमें आपको सेफ्टी से बच सकते हो, उसके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो ब्लॉक नहीं होने वाला है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो आपको बता दूं मैं पेटीएम के सैंडबॉक्स के ऊपर लाने वाला हूं, पेटीएम के सैंडबॉक्स के ऊपर जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो सब उस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सो गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।